पूरे प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बयान बहने लगे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री, उसके बाद रक्षा मंत्री और जमशेदपुर के बारागोड़ा में कृषि मंत्री आने वाले हैं। हमारे साथ मुंडा जी हैं। मुंडा जी समझने का प्रयास करते हैं कि सर, इस परिवर्तन यात्रा का मूल मतलब क्या है? क्या पूरे प्रदेश में एक बदलाव चाह रहे बीजेपी, क्या चाह रहे? वर्तमान सरकार के दुर्नीति के खिलाफ, वर्तमान सरकार के कुरीति के खिलाफ, वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के महिला विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी सरकार के खिलाफ परिवर्तन का शंखनाद आज बारागोड़ा से शुभारंभ हो रहा है। कोल्हान प्रमंडल के लिए कि कोल्हान के जनता को न्याय मिले, कोल्हान के जनता को अधिकार मिले और कोल्हान के जनता के जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी। आज महिलाएं ठगी गई हैं, युवाओं को धोखा दिया गया है और राज्य के जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि उत्पाद विभाग के बहाले में 15 लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए कि नीति खराब है। जो नीति पहले बनी थी उनको बदलने का काम किया गया और युवाओं को मौत के द्वार पे खड़ा कर दिया गया। महिलाओं को आज मैया सम्मान योजना के नाम से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है यह सरकार, पर मैया योजना तो 5 साल पहले शुरू होना चाहिए। जब सरकार में घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम आते साथ महिलाओं को 2,000 रुपया उनके खाते में देंगे, तो आज तक कितने उनके खाते में आए? इसी तरीके से 5 लाख रोजगार की बात की थी घोषणा पत्र में, कहीं रोजगार का आता पता नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार में यह सरकार डूबी हुई है, जिसके कारण नियुक्ति में भारी घोटाला हो रहा है और बहुत सारी नियुक्तियां इस वजह से नहीं हो पा रहे। सर, झारखंड गवर्नमेंट की बहुत सारी कमी खामियां है, बहुत सारा वादा खिलाफी उन्होंने किया है, तो ऐसे में क्या परिवर्तन यात्रा चुनाव में मदद करेगा बीजेपी को? बीजेपी को परिवर्तन यात्रा चुनाव मदद करेगा कोल्हान के सीट को जिताने में, कोल्हान की सीट को जीतने में ये परिवर्तन यात्रा जो है मदद करेगी? बिल्कुल, परिवर्तन का शंखनाद इसीलिए कि जनता का पूरा समर्थन और जो उत्साह आप कार्यकर्ताओं में इतने गर्मी में देख रहे हैं, ये परिवर्तन ला करके रहेगा। कोल्हान में क्या उम्मीद है सर? कोल्हान में अच्छी उम्मीद है। कोल्हान की जनता निश्चित रूप से इस राज्य के वैसे नागरिक हैं जो चाहते हैं कि राज्य का भविष्य बेहतर हो। हमारे साथ अर्जुन मुंडा जी थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि परिवर्तन यात्रा का जो लाभ है कोल्हान सहित पूरे राज्य में होने वाला है और एक परिवर्तन की हवा जो है पूरे राज्य में बह गई है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि परिवर्तन यात्रा की जो लत है कौन कौन से विधानसभा में जाती है और कहां उनको स्वयं रोक पाती है। देखना काफी अभी दिलचस्प होगा कि कोल्हान में कितने सीटों पे बीजेपी परिवर्तन यात्रा की सहायता से विजय हासिल कर पाती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।